मेरी गलती की वजह से बेबी को हो गई थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम और डॉक्टर ने भी हॉस्पिटल में खूब सुनाया। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी और ये जो डॉक्टर ने बताया उससे तो शॉक थी ही मैं थे। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, बताया डॉक्टर ने कि आपने क्या किया है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताई। एंड ऑफ लास्ट पता चला कि थोड़ी बहुत मेरी ही गलती थी इसमें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसी चीज़ें ना करना। वैसे मोस्टली कोई करता नहीं होगा, वो हमारा हम ट्रेवल कर रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा माइंड स्किप हो गया था। बाकी ऐसा कुछ कोई करता नहीं है, सो बेटर रहेगा नेक्स्ट टाइम कोई करे भी नहीं, क्योंकि इससे आपको तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट आपके बेबी को बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए लेवल 2 के लिए, तो डॉक्टर भी है ना वो डायरेक्ट कुछ बताते नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे लैब भेजा। लैब में मेरा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ। एक डॉक्टर आए थे, सीनियर थे, सर थे, वो आए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, चेक किया और उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला कि अभी नहीं हो सकता और बंद करके चले गए। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, पूछा उनसे क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेबी मूव नहीं कर रहा। तो फिर उससे ये हुआ कि मेरा जो बेबी था वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो मैं तो डर गई कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे कि बेबी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा बेबी शुरू से एक्टिव है, अचानक से क्या हो गया आज कि बेबी मूव नहीं कर रहा। फिर मैंने बहुत पूछा डॉक्टर से, काफ़ी डॉक्टर ढंग से जब जवाब नहीं देते ना तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी, मैंने कंप्लेन की, फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया। मे भी सब मुझे याद आया कि हम एक्साइटमेंट में थे कि हमें लेवल 2 जाना है, लेवल 2 के लिए चेक करवाना है। इस वजह से मैंने जो लास्ट खाना खाया था वो 11 बजे खाया था, उसके बाद हम घर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे और फिर वो माइंड से स्किप हो गया कि हमें कुछ खाना भी है और पीना भी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बेबी को प्रॉब्लम हो गई। हमने पूछा तो फिर डॉक्टर ने बोला आप जाओ कुछ खा के आओ और थोड़ा वॉक करना। हम गए जल्दी से, हमने कुछ खाया। फिर मैंने सुना था कि हम मीठा खाते हैं तो बेबी जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो फिर मैंने मीठा भी खाया। मुझे वैसे मीठा और खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन मैंने मीठा भी खाया। फिर हमें कॉल आया कि आप आ जाओ, आपका टाइम हो गया। फिर हम दोबारा से लैब गए, लैब में जब हम दोबारा से चेक किया गया तो फिर भी एक्टिव नहीं हुआ था हमारा बेबी बिल्कुल भी। अब तो परेशानी हो गई थी, फिर मैं हॉस्पिटल लैब में बैठी थी और फिर सब मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेंस हो गई थी कि मेरा बेबी शुरू से एक्टिव है और ये अचानक से क्या प्रॉब्लम हुई, और सिर्फ खाना खाने से ऐसे कैसे कि बेबी इनएक्टिव है। क्योंकि जब मेरा लेवल 1 हुआ था तो भी मैंने नॉर्मल ही खाना खाया था और उसमें भी काफ़ी गैप हो गया था, बट लेवल 1 मेरा काफ़ी अच्छा गया था, बेबी एक्टिव था प्रॉपर। तो फिर लेवल 2 में ऐसा क्या हो गया कि सेम रूटीन पे नहीं हो पाया सही से। तो फिर थोड़ा टेंस थी, घर वाले भी बैठे थे, फिर घर वालों ने कोशिश किया, मुझे हंसा रहे थे। फिर वहाँ पे काफ़ी, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप ना पानी पियो और 4 से 5 15 मिनट तक, मैक्सिमम 15 मिनट तक वॉक करो, वो भी जितनी स्पीड हो सके, बस आराम से फर्श था और उसमें वॉक करो, आपका जो बेबी है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मेरे को प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने 4 से 5 गिलास पानी पिया, मैं इतने ही बार वॉशरूम भी गई, क्योंकि मैं जितने बार पानी पीती हूँ उतने बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर मैं वॉशरूम भी गई, फिर मैं वेट कर रही थी, उसके बाद जाके काफ़ी टाइम लगा। फिर मैंने पूछा नर्स से कब होगा, तो फिर हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे। मैं तो उस टाइम एकदम सदमे में चली गई थी कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर सब मुझे हंसा रहे थे, फिर बातचीत हो रही थी, फिर स्टार लास्ट में डॉक्टर आए, तो हमने काफ़ी टाइम वेट किया। फिर वो आए, फिर उन्होंने दोबारा से चेक किया, ये देखिए मैं आपकी यहाँ पे वीडियो लगा दूँगी, वीडियो आप चेक कीजिएगा। फिर जब डॉक्टर ने उस टाइम में ढंग से कुछ नहीं बताया, बस ले पूरा चीज चेक करते गए, हाथ पांव कलर सब कुछ दिखाया, मैंने थोड़ा बहुत डिस्प्ले भी देखा, तो मुझे लग गया कि बेबी अब एक्टिव हो गया है। फिर हमने चेक किया, तो फिर बाद में मैंने ना अपने सिस्टर इन लॉ से कह दिया था कि आप वीडियो बना लेना। वीडियो बनाना वैसे अलाउ नहीं होता, बट आप फैमिली को ले जा सकते हो, तो जहाँ पे बैठती है फैमिली वहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, तो हमने वहाँ से बोला था कि वीडियो बना लेना, तो वहाँ पे वीडियो था, क्योंकि मैं उतना अच्छे से देख नहीं पा रही थी और मेरे थोड़ा सर के साइड में था, तो इसीलिए। अब फिर उन्होंने लास्ट में बस इतना बोला ऑल ओके, तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुए कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, मतलब वही खाने की वजह से ही प्रॉब्लम हुई थी। सो मेरा एडवाइस है कि आप सब ऐसी गलती ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेवल होते हैं, आजकल लोग कई बार फास्ट भी करते हैं,
तो वो आपको फील नहीं होता, बट बेबी पे इफेक्ट पड़ता है, बेबी थोड़ा शांत हो जाता है ऐसे। नॉर्मली उसको ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम नहीं होती है कि उसको बहुत कम हो गई, डैमेज हो रहा है कुछ या बॉडी पार्ट में कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट बेबी जो एक्टिविटी करता है ना, वो बंद कर देता है, वो एकदम सुस्त हो जाता है। जैसे आप अगर कई दिनों तक खाना ना खाओ और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, वही बेबी के साथ होता है। आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है कुछ घंटों का गैप, लेकिन बेबी नहीं कर सकता। बेबी को हर 2 घंटे 3 घंटे में पानी खाना कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो इसे कंटिन्यू ही रखिए, क्योंकि मेरे को क्या है कि मेरे को 4 से 5 लीटर पानी हर रोज़ पीना है, तो मैं उस वजह से खाना थोड़ा कम खा पाती हूँ। लेकिन सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप खाना पानी सब कुछ बराबर रखिए, तभी आपका बेबी हेल्दी होगा। और रही बात टेंशन की, तो लोग कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन से भी बेबी शांत हो जाता है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, तो इस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि पानी के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें रेगुलर वे पे खाती रहूँ, फ्रूट्स हो वह खाना हो, ये सब चीज़ें खाती रहूँ, एक्टिविटी करती रहूँ, और ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू रखूँ। बट कभी कभार होता है स्किप हो जाता है। लेवल 2 में डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपको बॉडी पार्ट्स वगैरह सब दिखाए जाएंगे, लाइक हाथ ये नहीं दिखाते कि मेल है या फीमेल है, बॉयस है या गर्ल, बट ये दिखा देते हैं कि उनके हाथ कैसे हैं, पाँव कैसे हैं, छोटी छोटी उंगलियाँ, ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखा देते हैं कि हाँ आपका बेबी एकदम हेल्दी ग्रोथ पे है। तो उसके लिए एक्साइटमेंट था, हमने फैमिली वालों को ही बुलाया था, जिसकी वजह से ये गलती हो गई। बाकी इतनी बड़ी इशू नहीं थी, 5-6 घंटा बेबी एडजस्ट कर लेता है हमारे बॉडी में। बट जब आप सब कुछ खा पी सकते हो, तो बेबी से एडजस्ट क्यों करवाना? एडजस्ट करने के लिए पूरी लाइफ बची हुई है, तो बेबी को अभी से एडजस्ट नहीं करवाना है। बेबी के लिए हेल्दी यही रहेगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ खाते पीते रहें, एक्टिविटी करते रहें। और आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हमें सिजेरियन नहीं करवाना, नॉर्मल ही करवाना है, या फिर नॉर्मल नहीं करवाना, सिजेरियन करवाना है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं जल्दी उसको भी लाइव कर दूंगी, तो आप वो देखिएगा और बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है। अभी मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, वो अपनी नानी मौसी जो भी मेरे रिलेटिव्स में बेबी डिलीवर हुए, उनके भी आप पे शेयर करूंगी, और आफ्टर 4 मंथ मैं शेयर करूंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये करने से मेरा नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि नॉर्मल करने के लिए आपकी बॉडी भी एक्टिव होनी चाहिए। कई सारी लड़कियां होती है जो कुछ नहीं करती फिर भी नॉर्मल हो जाता है, कई सारी ऐसी भी होती है जो बहुत एक्सरसाइज सब कुछ करती है बट उनका सिजेरियन हो जाता है, क्योंकि उनका बॉडी उस टाइप से होता ही नहीं है और वो सपोर्टिव नहीं होता, तो प्रॉब्लम हो जाती है उनको। आजकल एक चीज प्रॉब्लम और है कि पेन ही नहीं होता, तो कैसे होगी नॉर्मल डिलीवरी। मैं सारा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ बेनिफिट लगते हैं, लेकिन आसपास के लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सिजेरियन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बस मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हॉस्पिटल सिजेरियन पे ज़्यादा फोकस ना करे। बाकी ये बहुत कोऑपरेटिव है, बड़े प्यार से बात करती हैं डॉक्टर, सारी चीज़ें बताती हैं A to Z। अगर आपको कुछ अलग से भी डाउट है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो चीज़ें भी बताती हैं। हस्बैंड अलाउ होते हैं, अगर मेरी जो तबीयत है वो ठीक रहती है, तो मेरे लिए ऐसा कुछ इशू नहीं है कि मेरे साथ कोई जाए। बट अगर मेरे साथ हस्बैंड जाते हैं, तो वो समझते हैं। मैं बाय कई बार ऐसा होता है कि मैं स्किप कर जाती हूँ चीज़ें, भूल जाती हूँ, तो वो उनको याद रहता है। तो ये सब चीज़ों में अच्छा है, अल्ट्रासाउंड में हस्बैंड अलाउ हैं, वो भी जा सकते हैं, उनको भी पता चले ना कि बेबी क्या मूवमेंट करता है। क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ख़त्म हो चुका है और मुझे अभी तक किक फील नहीं हुई है। डॉक्टर बता रहे थे कि कई लोगों को 6 मंथ 7 मंथ के बाद फील होता है, तो इसमें कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। बट जब मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है, तो मैं इतना एग्जैक्टली नहीं बता सकती। तो अगर फादर अल्ट्रासाउंड ये सब देखते हैं, तो उनको ये चीज़ पता रहती है और उनका भी एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ, और उन्होंने देखा होता है। मोस्टली हस्बैंड नहीं देखते, तो उनको नहीं पता होता और वो उस हिसाब से वाइफ को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब वो देखते हैं, तो उनका भी होता है कि हाँ, हम जैसे हम अपनी बॉडी में बेबी को डेवलप कर रहे हैं, वैसे वो अपने माइंड में डेवलप करते हैं, और उस टाइम उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि हाँ हमारा बेबी कैसा है, एक्साइटमेंट होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाएँ प्रेगनेंसी में, तो स्टार्टिंग में कोशिश करें ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो और आपको अलाव हो। बाकी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और कुछ अभी मैंने थोड़ा सा आगे जाके वीडियो अटैच किया हुआ है फुल अल्ट्रासाउंड का, ये वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे बेबी मूव कर रहा है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है तो आपको शायद ये समझ में आएगा।
ये देखिए ये बेबी पूरा मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ, रिपोर्ट हमें बाद में मिली और उसके बाद हम घर आ गए और सब हम बात कर रहे थे कि बेबी किस पे जाएगा। बाय बाय।